अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल है किचन इन ट्रेडिशनल स्टाइल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पास्ता रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इन माय स्टाइल। इसके लिए लिए हम पास्ता जिसे बॉईल कर लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 मीडियम साइज प्याज जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज टमाटो जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्च इसे हमने कट कर लिया है, 1 छोटा शिमला मिर्च जिसे हमने कट कर लिया है, 1 गाजर इसे हमने अभी कट कर लिया, हरा मटर इसे हमने बॉईल कर लिया है, केचप लिया है, चिली सॉस लिया है। तो चलिए पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट सॉटे कर लेंगे। प्याज को हमने 2 मिनट कुक कर लिया, इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे, हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हल्दी ऐड कर रहे हैं। टमाटर को 2 मिनट कुक कर लेंगे, वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा। टमाटर सॉफ्ट हो गया, अब इसमें गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते रहना है। फाइव मिनट हो गए, अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम टमाटो सॉस ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून टमाटो सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मटर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब इसमें पास्ता ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। विदाउट चीज़ पास्ता बनाया है हमने, चीज़ का यूज़ नहीं किया है, ये कोई भी बना सकता है। जब मन करे तब ये इजी है, तुरंत बन जाएगा। पास्ता को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। पास्ता रेडी है, आइए इसे पिस आउट करते हैं। पास्ता रेडी है, जो बहुत ही सिंपल है, इजी है, कोई भी बना सकता है इसे, हमने चीज़ का यूज़ नहीं किया। आपको मेरा डिश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।